नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीड सामान्य धन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसमें आज पार्ट 26 है। इससे पहले मैं इसका 25 पार्ट बना चुका हूँ, उस सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में पहला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी को हुई थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1972 ईस्वी को हुआ था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। गंगवंश ने बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। पद्मा कहा जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुगुरवा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद किस रूप में जाना जाता है? जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदांग 6 है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में है, जिसे खारवेल ने बनाया था। हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। जिसको किसने बनवाया था? खारवेल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकक झरना बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा NO2 है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्लेस बक हैं। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर है। आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ था। अकबर का राजस्व मंत्री टुडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12714 किलोमीटर है। लोहे का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नाहन सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 ईस्वी सिफारिश पर हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। गुजरात में हुआ था, पोरबंदर नामक स्थान पे। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था।
गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या था? टाका। बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है? टाका। सिनेवार पारा का अस्क है। सिनेवार किसका अस्क है? पारा का अस्क है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। करो या नारा का करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। दिल्ली 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी। दिल्ली कब भारत की राजधानी बनी? 1912 ईस्वी में बनी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटना है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना। हेलीविड का भव्य मंदिर वैशाला द्वारा बनाया गया है। हेलीविड का भव्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? वैशालाओं द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में उगाई जाती है। चाय किस क्षेत्र में उगाई जाती है? अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में उगाई जाती है। कांच से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। कांच से प्रकाश गुजरने पर किस रंग की गति धीमी हो जाती है? बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की करेंसी येन है। जापान की करेंसी क्या है? येन है। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? अभ्रक का। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित किया था। बेसिन की संधि किसके साथ पेशवाओं ने किया था? अंग्रेजों के साथ किया था। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहू असम का राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? असम का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखरा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? 1961 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तैराकी से है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। रांगा टाँका टीन एवं शीशा की मिश्र धातु है। रांगा अर्थात टाँका टीन एवं शीशा की मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। किसको एशिया का रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर एक कैसा बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक है। गैट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। गैट का पूर्ण रूप क्या है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए
एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहा का प्रयोग होता है? मृदु लोहा का प्रयोग होता है। टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्फ खेल से है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक वेरेन पॉवेल थे। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? वेरेन पॉवेल। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी है। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी है। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाले लोहा ढलवा लोहा है। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा क्या है? ढलवा लोहा है। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल द्वारा माना जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। आज की वीडियो में तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु राज्य के बारे में देखते हैं विशेष क्या है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? चेन्नई, मद्रास। तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु राज्य की मुख्य भाषा है तमिल। तमिलनाडु राज्य की मुख्य भाषा क्या है? तमिल। तमिलनाडु उच्च न्यायालय है चेन्नई में। तमिलनाडु का उच्च न्यायालय कहाँ है? चेन्नई में। तमिलनाडु का राज्य दिवस है 14 अप्रैल। तमिलनाडु राज्य का राज्य दिवस है 14 अप्रैल। तमिलनाडु राज्य में पर्यटक केंद्र कौन कौन से है? कोडाईकनाल के पर्वतीय स्थान, ऊटी, कन्याकुमारी, चिदंबरम का नटराज मंदिर, तंजावुर, बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मदुरई, मरीना बीच, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है पोंगल, नौका पर्व। प्रमुख त्यौहार तमिलनाडु का कौन है? पोंगल और नौका पर्व। तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी ताहर। तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है? नीलगिरी ताहर। तमिलनाडु के राजकीय पक्षी क्या है? दाविल, चमदम्बबाज। तमिलनाडु का राजकीय पक्षी क्या है? दाविल, चमचबाज। तमिलनाडु का विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक है। तमिलनाडु का विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 234। तमिलनाडु की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 234। तमिलनाडु की लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 39। तमिलनाडु के लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 39। तमिलनाडु के राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 18। तमिलनाडु के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट है, तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। तमिलनाडु को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि तथा दक्षिणी नोक केप कैमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप कैमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में ही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 ईस्वी में मद्रास राज्य का गठन हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 ईस्वी में मद्रास राज्य का गठन हुआ था। दिसंबर 1968 ईस्वी में मद्रास को नया नाम तमिलनाडु दिया गया। दिसंबर 1968 ईस्वी में मद्रास का नया नाम क्या दिया गया? तमिलनाडु दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल का प्रधान कार्यालय अडियार मद्रास में ही था। श्रीमती एनी बेसेंट का होम रूल का प्रधान कार्यालय कहाँ था? अडियार में था, जो कि अडियार मद्रास में ही था। अधिक जनसंख्या वाला जिला कोयम्बटूर है। तमिलनाडु का अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कोयम्बटूर है। तमिलनाडु के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? पेराम्बूर। तमिलनाडु के कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? पेराम्बूर। तमिलनाडु के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तिरुचिरापल्ली। तमिलनाडु के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? चित्रापल्ली। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? चेन्नई। तमिलनाडु का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? चेन्नई। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। तमिलनाडु को क्या कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई 1996 ईस्वी में किया गया। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया? 1996 ईस्वी में। तमिलनाडु के प्रमुख पर्वत शिखर दोदा बेटा है। तमिलनाडु का प्रमुख शिखर कौन सा है? दोदा बेटा है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेराम्बूर में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने
कब फैक्ट्री लगाई थी? 1611 ईस्वी में।